हमारा देश, हमारा प्रदेश और सचमुच में पूरी मानवता एक बहुत ही खतरनाक, भयावह और जानलेवा एक संक्रमण से ग्रसित है, जिसे कोरोना के रूप में दुनिया में जाना गया है। एक ऐसा वायरस जो छूने से या एक दूसरे के भीड़ में जाने से जिसकी होने की संभावना है, उस चेन को रोकना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये सबसे आह्वान किया है कि हम 22 मार्च को एक जनता कर्फ्यू के रूप में अपने घरों के अंदर रहें और एक प्रकार से अपने संयम को, अपने धैर्य को एक अपना एक इम्तिहान दें और सफल बनाएं उस एक ऐसी चेन, जो एक ऐसी खतरनाक, जो जानलेवा चेन दुनिया में फैल चुकी है, उसको एक पूरी ब्रेक देने के लिए पूरे के पूरे इतवार 22 मार्च को हम घरों के अंदर बंद रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई गाड़ियाँ नहीं होंगी, कोई बसें नहीं होंगी, कोई वाहन नहीं चलेंगे और हम साथ ही में उन सब लोगों का धन्यवाद करेंगे जो मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारी दूसरी जो आवश्यक सेवाएँ देने वाले और जितने भी कर्मी बाहर जाकर इस जानलेवा बीमारी से दूर रखने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और ऐसी घड़ी पर हम एक ऐसा संकल्प लें कि हम जो दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करेंगे, एक दूसरे से कम 1-1.5 मीटर की दूरी रखेंगे, भीड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे, बाहर से आकर एकदम अपने कपड़े धोने के लिए रख देंगे और अपने हाथ को साबुन से कम दिन में जितना भी समय मिले, मैं तो कहता हूँ कम से कम 2 दर्जन बार हर आदमी संकल्प ले रहे कि हमने अपने हाथ साबुन से धोने हैं, ताकि ये चेन, ये श्रृंखला जो चल पड़ी है मानवता की को नष्ट करने के लिए, इस कोरोना को हम एक प्रकार से तिलांजलि दें अपने इस वातावरण से और अपने लोगों की रक्षा करें, अपनी मानवता की रक्षा करें। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। मुझे पूर्ण आशा है इसमें सभी लोग, सभी वर्ग, सभी छोटा बड़ा, नर नारी, युवा और बुजुर्ग सभी साथ देंगे। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। जय हिंद, जय हिमाचल।